आशीर्वाद मीडिया को मिलने वाला नहीं है। हमको पता है आप क्या पूछने वाले हैं। एक तो हमारे कैलाश विजयवर्गीय जी के परिवार में और हमारे आशुतोष खाना जी के, ये सब लोग स्वदेशी उत्पाद और उसमें भी पतंजलि के स्वदेशी उत्पादों का उपयोग करते हैं, इसके लिए इनका अभिनंदन। इसमें दो फायदे हैं, एक तो देश का पैसा देश में रहता है और पतंजलि का जो भी प्रॉफिट है वो 100% चैरिटी के लिए है, एक रुपए भी पर्सनल वेल्थ नहीं है किसी व्यक्ति। नहीं तो हमारे आजकल बाल देसी और शैंपू विदेशी, दांत देसी कोलगेट पेप्सोडेंट क्लोजअप विदेशी, चमड़ी देसी और फेरे लवली विदेशी। ये चक्कर हो गया था, उससे मुक्ति मिल गई। और उसमें हमारे आशुतोष जी कह रहे थे कि 500 रुपए में काम हो जाता है, लंबे चौड़ा बजट की भी जरूरत है। उसमें एक चीज और जोड़ दीजिए, सबसे अच्छी बात है गुणवत्ता। तो गुणवत्ता है इसलिए वही हमारे लिए सबसे बड़ा शौक है। अगर धन बढ़ भी जाए तो कहीं कोई बड़ी बात नहीं। शाहरुख खान और आमिर खान को लेके विवाद चल रहा, क्या विवाद? जिस तरह से शाहरुख खान और इनके बयान आ रहे हैं, देखो एक मैं सहिष्णुता का बयान दे देता हूँ, एकदम पक्का। असहिष्णुता पर एक बयान देता हूँ, मैंने इस देश में एक अनपढ़ माँ बाप के घर में कभी गरीब सामान्य किसान परिवार में जन्म लिया, सरकारी स्कूल में पढ़ाऊँ, उसके बाद मैं कोई परंपरागत सन्यासी को पीठा नहीं। मैंने इस देश में धार्मिक असहिष्णुता एक बार भी नहीं देखी, पूरी दुनिया में मैंने कहीं पर भी धार्मिक असहिष्णुता नहीं पूरी दुनिया में, लेकिन हिंदुस्तान में राजनीतिक असहिष्णुता का मुंह सहित इस देश के 125 करोड़ लोग स्वीकार है। तो इस देश में धार्मिक असहिष्णुता नहीं है, इस देश में राजनीतिक असहिष्णुता है। वो राजनीतिक असहिष्णुता आज चरम पर है, इसलिए कोई मोदी जी को कोस रहा है, कोई बीजेपी को कोस रहा है, कोई अरुण जेटली को कोस रहा है। ये सारा राजनीतिक असहिष्णुता का परिणाम है, धार्मिक असहिष्णुता न इस देश में थी न है और न रहेगी। धार्मिक असहिष्णुता इस देश में न थी न है न रहेगी, राजनीतिक असहिष्णुता। तो मेरे भाई 1000 केस नोटिस आए थे प्रेम प्रकरण, किस बात की कमी थी? जब हम पर हजारों प्रकार की जांच कर रही माता सोनिया गांधी, अरे बाबा ने तो हजार के बाद सहेली मेरी भैया और मेरे भैया एक जांच तो सह लो। काला धंधी आ जाएगा, मोदी जी ने कहा पाई पाई नहीं जाएंगे, तो मोदी जी ने जो कहा वो किया है, भरोसा रखिए थोड़ा सा इंतजार। बाबा जी राम मंदिर को लेकर बातें बहुत सारी हुई हैं और आपने भी कई बार चर्चा करी, अब क्या होगा? अब फिलहाल एक शिला पूजन जैसी बातें, अब राम राजनीतिक मुद्दा नहीं, वो राष्ट्र के स्वाभिमान है, राम हमारे प्राण है, राम हमारे धर्म है, राम हमारी संस्कृति है और राम हमारे रोम रोम में रमे हैं, इसलिए राम को राजनीतिक मुद्दा ना बनाया जाए। ये हमारी आस्थाओं का मुद्दा है, ये हमारे धर्म संस्कृति के प्राण है। दरअसल कांग्रेस ने एक अराजक मानसिकता देश में पैदा करने की कोशिश की कि राम काल्पनिक है, कृष्ण काल्पनिक है, न राम हुए फिर रामायण तो हो ही नहीं सकती, न कृष्ण हुए फिर गीता तो हो ही नहीं सकती, और इसलिए राम और रामायण को, कृष्ण को और गीता को काल्पनिक कहना और अब तो हद हो गई। कांग्रेस का एक बहुत बड़ा तथा कथित नेता खड़गे का दिमाग खड़ूस हो गया कि बोला आर्य भी यहां नहीं पैदा, ये भी वहां से आए, अरे तो बाहर से आए होगे।